ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हेलो जी, FM विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे जुड़ा हूं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ हैं विश्व विख्यात भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जलोटा जी हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से, हृदय से आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। नमस्कार। मेरी नमस्कार स्वीकार करें। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं वाराणसी ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी से जुड़ा हूँ। आकाशवाणी वाराणसी के श्रोता सालों से आपकी गाई गजलें, आपके गाए भजन सुनते आ रहे हैं। काशी नगरी गंगा के तट पर बसी नगरी है और बाबा विश्वनाथ की नगरी कही जाती है, लेकिन कोरोना काल के संक्रमण में इस समय सारे के सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो काशी के हों, हमारे देश के हों या विश्व के हों, सारे लोग इस महामारी के चलते कहीं ना कहीं से त्रस्त हैं। ऐसे में एक मधुर संगीत होता है, आप जैसे लोगों की आवाज़ जब हमारे श्रोताओं तक पहुंचती है तो वो उनको कहीं ना कहीं एक, जैसा कहा जाए कि एक टॉनिक का काम करती है, उनके लिए एक दवा का काम करती है और वो असरदार होती है। तो हम आपसे ढेर सारी बातें आज करना चाहेंगे और आपके अनुभव अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे, ताकि जो एक तनाव है उस तनाव से कुछ हद तक उन्हें मुक्ति मिल सके, वो आनंद के सागर में गोते लगा सकें। अनूप जलोटा जी, आपका संगीत के क्षेत्र में, भजन के क्षेत्र में एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके जन्म से लेकर मुंबई तक की यात्रा का वृत्तांत थोड़ा हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। मेरा जन्म जी नैनीताल में हुआ। अब लोग सोचेंगे नैनीताल में कैसे हो गया। जी जी, लखनऊ में हम लोग रहते थे। जी जी, हमारे पिताजी, हमारी माँ जी, तो लखनऊ से जो सबसे नजदीक हिल स्टेशन है वो नैनीताल है। जी जी, नैनीताल लोग घूमने जाते हैं गर्मी की छुट्टी में। बिल्कुल। तो मेरे मम्मी डैडी भी घूमने गए थे नैनीताल गर्मी की छुट्टी में। दो गए थे, तीन आ गए। अरे जी जी जी, तो मेरे जीवन में सब कुछ घटित होता है। जी जी, मेरे जीवन में जो कुछ होता है जी वो अपने आप होता है, घटित होता है। मैं प्रयास बहुत सी चीजों के लिए करता नहीं हूँ, जैसे मेरा जन्म ही एक घटना है कि वो नैनीताल में हो गया। वाह। अच्छा, उसके बाद लखनऊ में हमने शुरू कर दिया अपना संगीत सीखना, आगे लखनऊ। जी जी, पिताजी से भी, भारतखंड संगीत महाविद्यालय में भी। जी, ये सब शुरू हो गया। जब 7 साल के हुए जी, पिताजी ने बैठा दिया मंच पे कि चलो अकेले गाओ। अरे वाह। मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम, गा देंगे। 2,000-4,000 लोग बैठे हुए थे सामने। क्या बात है। और हम शुरू हो गए, घुमक चलत रामचंद्र बाजत है जनिया। वाह वाह वाह। पिताजी को ये विश्वास हो गया कि ये डरपोक तो है नहीं। इसको न टमाटर का डर है जी, और न तालियों का। जी 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 जी। तो उन्होंने मुझे विधिवत सिखाना शुरू किया। हमने लखनऊ से, लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किया जी, भारतखंड संगीत महाविद्यालय से संगीत मध्यमा किया,
प्रयाग संगीत समिति से संगीत विशारद किया। वाह वाह। और वहाँ पे खुद प्रोग्राम करते रहे अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में जी, भजन, फिल्मी गाने, गजल सब कुछ गाते रहे। अच्छा वाह। तेरे लब को हंसने की आदत न होती, तेरे लब को हंसने की आदत न होती, दो फूलों को खिलने की चाहत न होती, तेरे लब को हंसने की आदत न होती, दो फूलों को खिलने की चाहत न होती, तेरे लब को हंसने की। पिताजी ने एक शर्त रखी थी कि अगर बम्बई जाना है जी तो बम्बई तभी जाने दूंगा जब ग्रेजुएट हो जाओगे। तो मैंने उनको डिग्री दिखाई, देखिएगी पास हो गया मैं, डीए हो गया जी जी जी। कहते हाँ अब चलो बम्बई। और बम्बई आके हमने आते ही नौकरी कर ली ऑल इंडिया रेडियो में, कोरस सिंगर में। अरे वाह, मुंबई में। मुंबई में कोरस सिंगिंग में। आहा वाह वाह। ये किस सिंगर थे, किस सन की बात है लगभग? 1973 कोरस सिंगर थे, 30 उसमें एक मैं था। जी जी जी। बड़ा आनंद लिया हमने उसको, दो साल नौकरी की जी, धीरे धीरे लोग पहचानने लगे आवाज को। और 1980 में जी एक हमने कार्यक्रम किया था हरे कृष्णा मंदिर मुंबई में जी, जन्माष्टमी का। तो वो कार्यक्रम जब हो गया तो हम तो कार्यक्रम करके घर आ गए जी। हरे कृष्णा वालों ने बाद में उस रिकॉर्डिंग को सुना और उसको पॉलीडोर म्यूजिक कंपनी को सुनाया जी। और पॉलीडोर ने कहा हम तो इसका एल्बम बनाएंगे। अरे वाह। उन्होंने उसका एल्बम बना दिया और वो घर घर पहुंच गया। उसमें भजन थे, ऐसी लागी लगन, आहा, रंग दे चुनरिया, क्या बात है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो जी, इतना तो करना स्वामी, वो काला एक बांसुरी वाला, क्या बात है, जग में सुंदर है दो नाम। बस वो एक जंगल की आग की तरह घर घर पहुंच गया एक साल में जी। 1981 से सब मुझे पहचान गए जी जी। अब ये 40 साल हो गए हैं, फुर्सत नहीं मिली। क्या बात है। तो हम ये कहें कि आपकी जो शिक्षा हुई आपके पिता श्री पंडित पुरुषोत्तम दास जलोटा जी के माध्यम से ही हुई, और उन्होंने सिखाया बिल्कुल, और उन्हीं की प्रेरणा से आप संगीत की दुनिया में आए। आपको इस दुनिया में लाने का श्रेय आप अपने पिताजी को ही देंगे पूरी तरह। जी जी। जब आकाशवाणी से जुड़े थे आप, तो उस दौरान आकाशवाणी तो ऐसा माध्यम था जो केवल आकाशवाणी ही था रेडियो के नाम पर, और हर घर में वो पहुंचता था, वो आवाज़ आपकी कोरस के माध्यम से ही सही लेकिन हर घर तक पहुंचती थी, तो उसका एक अलग आनंद मिलता होगा आपको। बहुत आनंद मिलता था, बहुत आनंद, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में सब आर्टिस्ट आया करते थे रिकॉर्डिंग करने जी जी, और हम उनके लिए कोरस गाते थे पीछे से। मीसा मंगेशकर आती थी, महेंद्र कपूर साहब आते थे। अरे वाह। तो हम उनके लिए कोरस गाते थे जी जी जी। उस समय आकाशवाणी में जो संगीत निष्पादक हुआ करते थे वो कौन थे, कुछ आपको नाम याद आ रहा है? हमारे जो हेड थे जो हमको गाने सिखाते थे जी, जी जी जी, वो थे कानू घोष जी। अरे वाह, कानू घोष, एक बड़ा नाम जी। बहुत बड़ा नाम जी जी जी। वो सलील चौधरी साहब के साथ काम करते। अरे वाह। तो वो हमारे कंडक्टर थे जी, हमको सिखाते थे और बहुत हमने आनंद लिया, बहुत आनंद लिया उसका। आज तक उसका फायदा उठाते हैं कि जिस तरह की वहाँ की टीचिंग थी, ट्रेनिंग थी, उसका बहुत लाभ मिला जी जी। और फिर धीरे धीरे अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए, देश विदेश जाना आना, एल्बम बनाना जी। फिर ईश्वर की कृपा हुई, भारत सरकार ने हमारे पिताजी को पद्मश्री दिया जी जी, उसके बाद मुझे भी दिया। वाह। तो हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि एक ही घर में हम दो पद्मश्री हैं। वाह क्या बात, अभिनंदन। अनूप जलोटा जी, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जब हम मुंबई पहुंचे तो शुरुआती दिनों में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, संघर्ष करने के बाद फिर धीरे धीरे हमें मंजिल मिलती गई और एक हमारा अलग स्थान बना। क्या आपका भी अनुभव कुछ इसी तरह का रहा है? संघर्ष नाम तो हटा देना चाहिए डिक्शनरी से, क्योंकि जी वो जो पीरियड होता है वही ट्रेनिंग पीरियड होता है जी, वही समय है जब आपका नाम जब तक नहीं हुआ होता है जी, उस पीरियड को हम ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं। संघर्ष तो है ही नहीं, क्योंकि सीखने को तो तभी मिलता है जी जी। मुझे तो एक ही जीवन में दुख है कि मुझे ईश्वर ने 5 साल पहले मेरा नाम कर दिया। मैं उन दिनों पिताजी से बहुत विधिवत शास्त्रीय संगीत सीख रहा था जी, और ये पॉलीडोर ने मेरा एल्बम निकाल दिया।
और मेरा नाम हो गया। जी जी अब जब नाम हो गया तो फंस गया, सारी दुनिया घूमना फिरना शुरू हो गया, शुरू हो गया जी। वो शिक्षा बंद हो गई। जी तो वो जो जिसको लोग स्ट्रगल पीरियड कहते हैं, जी संघर्ष का समय, जी जी उसका नाम है ट्रेनिंग पीरियड, बिल्कुल जो मेरा छोटा हो गया, मुझे इसका बड़ा दुख। जी। अनूप जलोटा जी, ऐसा है कि शिक्षा का सागर तो इतना बड़ा है कि हम जिंदगी भर भी उस सागर से अपनी गागर भरते रहें, फिर भी वो सागर समाप्त होने वाला नहीं है, और वो अथाह सागर है। शिक्षा तो हमेशा चलती रहती है, और हम सब जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। अनूप जलोटा जी, भजन कहा जाता है कि पहले जब कथा कीर्तन हुआ करते थे, या हरि कीर्तन जो एक परंपरा है हमारे महाराष्ट्र की भी खास परंपरा है, और बनारस में भी हरि कीर्तन के बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े कीर्तनाचार्य हरि कीर्तनकार हुए हैं, वो लोग कीर्तन के दौरान भजन गाया करते थे। मंदिरों में शाम के समय भजन के माध्यम से प्रभु की उपासना की जाती थी। आकाशवाणी को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है भजनों को घर घर तक पहुंचाने का। रोज सवेरे जो वंदन वार हो या आराधना हो, इस नाम से जो कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन आपने अपनी योग्यता के माध्यम से अपनी इस भजन वाली कला को घर घर तक पहुंचा दिया, भजन को एक अलग और एक विशिष्ट स्थान दिलाया। क्या आपकी आपकी मनसा इसी तरह की थी कि मैं भजन गाऊं और भजन इस तरह से लोगों के बीच जब मैं गा रहा हूं तो पहुंच जाएंगे? मैं भजन स्वयं नहीं, मैंने गाए जी भजन के लिए मुझे ईश्वर ने चुना, क्योंकि मैं गजल भी बहुत गाता था, जी, मेरे गजलों के रिकॉर्ड भी बहुत आए, पॉपुलर हुए, जी, लेकिन ईश्वर ने मुझे जैसे आदेश दे दिया हो कि तुमको भजन ही गाना, जी, और मैं भजन ही लग गया। देखिए वाराणसी जब आता हूँ मैं जी, संकट मोचन में गाने, तो जैसे अपनी बैटरी चार्ज करके चला जाता हूँ। क्या बात है जी। इस वर्ष भी लॉकडाउन के समय में भी हमने वहां गाया, जी लेकिन ऑनलाइन गया, और बहुत बढ़िया समारोह हुआ, बहुत बढ़िया समारोह। जी, वाराणसी तो आपका कई बार आना हुआ है, बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है और वहां, वाराणसी के श्रोताओं ने आपके भजनों का बहुत आनंद भी लिया है। बहुत प्रेम मिलता है वहां, जी, बहुत प्रेम मिलता है। गजलें भी आप गाया करते थे, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी आपके गजलों के, बहुत सारी कैसेट्स भी आपके गजलों की निकली और पॉपुलर भी हुई बहुत। लेकिन भजनों के जो श्रोता हैं वो कहते हैं कि अनूप जलोटा के गाए भजन कुछ अलग ही आनंद देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि कोई मिठाई की दुकान होती है, उसके पास सारी मिठाइयाँ होती हैं, जी लेकिन उसकी रसमलाई ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, बिल्कुल लोग कहते हैं इसकी रसमलाई बहुत अच्छी है, तो मेरे सारी मिठाइयाँ हैं, ये मेरी रसमलाई ज़रा पॉपुलर हो गई ज्यादा। जी, मिठाइयाँ मैं सब बनाता हूँ। जी। अनूप जी, गजल और भजन दोनों में से आपको क्या पसंद है गाने में? मुझे भजन 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 ही। में ज्यादा रुचि। जी। और आपकी एक भजनों की अलग शैली है, एक विशिष्ट अंदाज है, और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत आनंद लिया है उसका, बहुत दाद मिली है आपको श्रोताओं की ओर से। आप मीराबाई, संत तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, कबीरदास हो गए, सबकी रचनाओं को आप आवाज़ देते रहे हैं, भक्तों तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन आपको किस कवि की रचनाओं ने ज्यादा प्रभावित किया, ज्यादा आकर्षित किया? संत कवि जो हुए, जी संत कवियों की रचना में जो गहराई है जी, वो आज के कवियों में नहीं हो सकती, बिल्कुल क्योंकि तो आज का कवि जब लिखता है जी, तो पहले पूछता है पेमेंट कितना मिलेगा, जी पहले वो पूछता है कि इसका रिकॉर्ड असेंबली बनाएगी कि पॉलिडोर बनाएगी, फिर जी, पूछता है इसकी रॉयल्टी कितनी मिलेगी, तो भक्ति भाव तो खत्म हो गया जी, लिखने से पहले ही। जी उन दिनों तुलसीदास जी लिखते थे, लिख के गंगा में बहा देते थे कि माँ तुम्हारे लिए लिखा तुमको अर्पण, सही बात जी, उन दिनों वो थोड़े सोचते थे कि इसको लता मंगेशकर गाएंगी, जी, तो भाव भक्ति भाव कूट कूट के उसमें आता था, जी तो मैं संत कवियों को गाना गाना ज्यादा पसंद करता हूँ, जी लेकिन मैंने आधुनिक कवियों को भी गाया है, जिसमें जिसमें राजेश जौहरी है, जिसमें किरण मिश्रा है, वाह नारायण अग्रवाल है, जी रामचंद्र बागोरा जी हैं, वाह हरि प्रेमी हैं, ऐसे जी कई कवि हैं जिनको मैंने गाया है और गाकर बहुत आनंद लिया है, जी इन लोगों ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा, उनके भजन पॉपुलर भी हुए हमारे, जी, तेरे मन में राम तन में राम रोम वाह रोम में रोम राम, रोम, जी, राजेश जौहरी हैं, फिर जी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, हाँ वाह वाह ये वाह, रामचंद्र बागोरा हैं, तो जी सब सब कवियों का
बोल पिंजरे का तोता राम, हाँ ये हमारे किरण मिश्रा हैं। प्रेम जी की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो, हाँ तो हाँ ये नारायण अग्रवाल हैं। समझ जी से समझ जी से। जलोटा जी, आपके पिताजी भी बहुत भजन गाया करते थे और बहुत सारी जो उनकी रचनाएं हैं, उनके गाए भजन हैं, हमारे आकाशवाणी के संग्रहालय में भी सुरक्षित हैं और हम लोग उनको भी बजाते रहते हैं। आप अपने पिताजी के गाए भजनों से कितने प्रभावित थे और उनके गाए भजन भी क्या आप गाते रहते हैं? मैं अधिकतर जो गाना गाता हूँ वो मेरे पिताजी का ही है। जी चदरिया झूमे झिगी, हाँ 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 जी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी मैया मोरी मैंने मासूम खाया, जी जी जिनके हृदय हरि नाम रखे, ये सारे उनके ही पॉपुलर चीज है। जी और मैं उन्हीं को गाकर रोटी कमा रहा हूँ। वाह वाह, बहुत सारे कार्यक्रम आपके होते रहते हैं और देश विदेश के दौरे भी आप लगातार करते रहते हैं। कोई एक ऐसा यादगार अनुभव हो जो आपको भजनों की प्रस्तुति के दौरान हुआ हो और वो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हों? एक बार मैं ट्रिनिडाड गया हुआ था, जी कार्यक्रम के लिए नहीं गया था, एक रिकॉर्डिंग के लिए गया था, जी जी शायद 1984 की बात है। जी वहाँ लता मंगेशकर जी का प्रोग्राम हो रहा था, तो मैं भी प्रोग्राम सुनने गया। जी लता जी को मिला, नितिन मुकेश जी थे उनको मिला, जी और जब इंटरवल हुआ तो लता जी ने मुझे बोला कि जी आपने यहाँ क्या जादू चलाया हुआ है ट्रिनिडाड में। हम्म, मैंने कहा कौन सा जादू चलाया हुआ है। जी कहने लगी देखिए मुझे फरमाइश आई है कि एक अनूप जलोटा का भजन सुना दीजिए। वाह वाह जी अब इससे बड़ी मुझे खुशी क्या हो सकती जीवन में, सही बताइए सही बात है, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। जी, बहुत सारे देशों की यात्रा आपने की, किस देश के जो श्रोता हैं वो आपको सबसे ज्यादा प्रिय लगे? हम जिस देश में भी गाने जाते हैं जी हम हिंदी भाषी लोगों के लिए भी गाते हैं, जी जी उसमें भारतीय हैं, उसमें पाकिस्तानी हैं, जी उसमें बांग्लादेशी हैं, उसमें मॉरिशस के लोग हैं, जी उसमें सूरीनाम के लोग हैं, तो जी जी ये सब लोग हिंदी भाषी लोग, जी जी हिंदी या उर्दू, तो हमें तो ये लगता है कि हम इंडिया में गा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमको लगता ही नहीं हम बाहर जा रहे हैं। जी तो चाहे इंडिया में गाओ चाहे अमेरिका में गाओ, जी एक जैसा ही हाल है, कोई जी फर्क नहीं। जी जी अनूप जलोटा जी, हिंदी के अलावा और किन-किन भाषाओं में आपने अपना स्वर दिया है? मैंने करीब 10 भाषाओं में गाया है, जी इसमें हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, सिंधी, उड़िया, बंगाली, नेपाली, मलयाली, तो इस तरह राजस्थानी, मैंने करीब 10 भाषाओं में गाया है। जी और उनमें मुझे जो भाषाएं आती हैं जी उनमें एक है हिंदी, उर्दू और तीसरी है पंजाबी, ओ जी बाकी मुझे कोई भाषा आती नहीं है, लेकिन मैंने उनके गाने गाए हैं 10 भाषाओं में गाए। जी अच्छा, जिन भाषाओं से आप अवगत नहीं हैं उनके गाने जब गाने की नौबत आती है तो किस तरह की तैयारी करनी होती है? सबसे पहले तो मैं उनसे कहता हूं मुझे इसका अर्थ समझाइए, इसका मतलब क्या है, जी एक एक शब्द का मतलब समझता हूँ। हम्म, जब मतलब समझ में आ जाता है जी तो मैं गायन में अपना भाव डाल सकता हूँ, जी और तब उसमें जादू आता है, तब उसमें आनंद आता है लोगों को सुनने में, जी 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 क्योंकि मुझे उसका अर्थ मालूम होता है। बिल्कुल तो सबसे पहली चीज तो वो है, जी और दूसरी चीज हम ये ध्यान देते हैं कि हमारा जो उच्चारण है वो सही हो उस भाषा में, जी उच्चारण में हम बहुत समय लगाते हैं, वो ठीक से करते हैं। जी हम आगे अपनी बातचीत को बढ़ाएं, इससे पहले आपकी पसंद का कोई आपका गाया हुआ भजन हो जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहते हो, हम उसको प्ले करें? हाँ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक भजन सुनाएं, जी जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण का हो या राम। क्या बात है क्या बात है, बहुत सुंदर, तो हम श्रोताओं तक पहुंच जाते हैं। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम,
बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 जग में सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 माखन ब्रिज में एक चुरावे माखन ब्रिज में एक चुरावे एक बेर भिलनी के खावे माखन ब्रिज में एक चुरावे एक बेर भिलनी के खावे प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम। अनूप जलोटा जी, बहुत सारे भजन बहुत सारी गजलें आपकी श्रोताओं तक पहुंची हैं, कुछ फिल्मी गीतों के गाने का अनुभव भी। एक गाना हमें याद आ रहा है, दाना पानी जिंदगी की यही कहानी, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था आपका गाना और बड़ा ही मतलब उसमें कहा जाए कि हकीकत है जीवन की जी। लता जी के साथ गाया हुआ आपका ये गाना भी बड़ा हिट हुआ था। कोशिश करके देख ले दरिया बुझती है हर चिंगारी। तो ये गाना भी हमारे जो श्रोता हैं बहुत पसंद करते हैं। आपने जब फिल्मी गाने गाने की शुरुआत की तो आपका अनुभव कैसा रहा फिल्मी प्लेबैक म्यूजिक के लिए? मुझे फिल्मों में गाने का शौक नहीं था जी जी, और मैं सारे म्यूजिक डायरेक्टर चाहते थे कि मैं गाऊं जी, और मैंने उन लोगों के लिए गाया लेकिन मैंने कम गाया जी। मैं अपने कार्यक्रमों में ज्यादा व्यस्त रहता था जी जी, तो मुझे जब भी मिलते थे म्यूजिक डायरेक्टर कहते थे आते नहीं हो, मिलते नहीं हो जी, तो मैं उनसे कहता था आप अपना काम कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, सबको मजा आ रहा है गाने का जी। और मैंने बहुत कम गाने गाए लेकिन मैंने सबके लिए गाया, मैंने आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत लाल, कल्याण जी, आनंद जी, बप्पी लहरी, जगन्नाथ मंगेशकर जी, आनंद मिलिंद, मतलब कोई म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे नहीं जिनके लिए मैंने उन दिनों ना गाया हो जी, सबके लिए मैंने गाया जी जी। लेकिन मुझे ये भी उनको मैं कह देता था कि मुझे मजा नहीं आया। अच्छा, इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टरों के नाम आपने लिए, तो आपको किसकी संगीत रचना गाने में सबसे ज्यादा आनंद आया? देखिए, ऐसा है कि सबका अलग अलग अंदाज होता है, सारे म्यूजिक डायरेक्टर इसलिए पॉपुलर थे कि सबका अपना अपना अंदाज था जी। ऐसा तो नहीं था कि एक टाइम पे एक ही म्यूजिक डायरेक्टर हो जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आदि सब अपना अपना संगीत देते थे जी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक आर डी बर्मन एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी, जिन्होंने इस तरह का संगीत दिया है जो हर युग में सुना जाएगा जी। वो आज यंगर जनरेशन भी इसी तरह सुनती है, आज की भी जी, जो उन दिनों सुनती थी, मतलब उनके गाने में बिल्कुल कोई पीरियड की बात नहीं है, वो किसी भी पीरियड में सुने जाएंगे जी जी। अनूप जलोटा जी, बहुत सारे जो भजन आप गाते हैं निश्चित रूप से आपका संगीत उसमें होता है, और जब कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो दूसरे संगीतकार उसको सुरों में बांधते हैं, किन किन संगीतकारों की रचनाओं को आप स्वर देते हैं मंचों पर? मैं भजन और गजल जो गाता हूँ ना, वो तो अधिकतर मेरे हैं जी, संगीत मेरा ही है। लेकिन वैसे मैंने दूसरों के संगीत में भी गाया हुआ है जी, भजन भी गजलें भी। हुँ। मैंने शेखर कल्याण, बहुत अच्छे संगीतकार जी,
उनके उनके संगीत में मैंने गाया है, और कई हैं संगीतकार जिनके लिए मैंने गाया है। लेकिन होता क्या है कि प्राइवेट म्यूजिक जो है वो अपने म्यूजिक में ज्यादा गाया जाए तो ज्यादा पॉपुलर होता है, कि हमें अपनी स्टाइल मालूम है, हमें अपनी रेंज मालूम है, जी, तो अधिकतर लोगों के गाने वही पॉपुलर हुए हैं जो उन लोगों ने खुद अपनी म्यूजिक में क्रिएट किए। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप संगीत तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आप खुद हारमोनियम भी बजाते हैं, संवादिनी खुद बजाकर उसे संगीत तैयार करते हैं। जब प्रैक्टिस होती होगी या जब मंचों पर आप कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तब आपके साथ बहुत सारे म्यूजिशियन और भी होते हैं, उन लोगों के जरिए जो संगीत का प्रभाव उत्पन्न होता है वो अलग ही होता है। तो क्या रिहर्सल के दौरान भी आपके साथ वो लोग रहते हैं, और आपको उनका किस तरह का सहयोग मिलता है, जैसा चाहते हैं आप वो सारी चीज़ें निकल आती हैं? मेरे साथ मंच पर 3 या 4 म्यूजिशियंस होते हैं जी, और उनके साथ मैं कभी रिहर्सल नहीं करता। अच्छा, वाह, मैं अकेला रियाज करता हूँ 3-4 घंटे रोज, जी, और कभी रियाज नहीं करता उन लोगों के साथ बैठकर। जी, उन लोगों ने मेरे सब गाने सुने हुए हैं और वो बड़े स्वयं निपुण हैं, तो बड़ी अच्छी तरह से बजाते हैं आदमी। जी। अनूप जलोटा जी, खजाना एक सीरीज चली थी और उन दिनों खजाना ने, को लगता है कि 5-6 गायकों को कुछ शहरों में भारत के इंट्रोड्यूस किया था, और श्रोताओं के बीच बहुत व्यापक स्तर पर उसका प्रचार प्रसार करके पहुंचाया था श्रोताओं के बीच, आप भी उसमें थे। चंदन दास जी से हमारी बात हुई थी और चंदन दास जी ने भी आपका नाम लिया था कि उस टीम में आप भी शामिल थे, और बड़ा आनंद सबने लिया था। आपका अनुभव क्या था उस समय का? खजाना शुरू किया था पॉलीडोर में, जी, उसमें मैं, चंदन दास, कलकवीर, शंकरी जी दास, राजेंद्र मीना मेहता, जी शीनाज मस्तानी, जी अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, जी सब जी लोग गाते थे, भूपेन मिताली। तो जी कुछ समय के बाद वो फिर बंद हो गया, लेकिन 18 साल पहले मैं, पंकज उदास और कलकवीर, हम तीनों एक दिन बैठे थे शाम को, हम लोगों ने कहा यार हम लोग शुरू करते हैं खजाना, जी, और हमने शुरू कर दिया। 18 साल से चल रहा है वाह वाह, क्या बात है, और इस जुलाई में फिर है, जुलाई में ही होता है, जुलाई के लास्ट वीक में। जी, और अब 5-6 सिंगर नहीं होते हैं, अब करीब 25 सिंगर होते हैं। वाह वाह, हम उसमें कॉन्टेस्ट भी रखते हैं, खजाना कॉन्टेस्ट, जी, उसमें हम नए नए सिंगर चुनते हैं और उनको भी पेश करते हैं। वाह, तो आजकल उसकी कार्रवाई चल रही है, हम सुन रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं सिंगर से, उनको हम सुन रहे हैं, जी, उसमें चुनेंगे जी, और वो भी खजाना में हम लोगों के साथ गाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। जो संगीत का जो खजाना है या जो संगीत की थाती है, उसको अपने योग्य शिष्यों के माध्यम से हर गुरु चाहता है कि आगे बढ़े और उसकी परंपरा चलती रहे। आपके कितने शिष्य आगे इस परंपरा को बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं? मेरे बहुत से शिष्य हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। जी जिलई में है प्रभंजय चतुर्वेदी, कानपुर जी में है प्रवीण सिंह, हैदराबाद में है शरद गुप्ता, इसी तरह दिल्ली में है, इसी तरह मुंबई में है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में है, जी जी अमेरिका में है, कनाडा में है। तो जी ये सभी इस संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं, भजन गाते हैं और जी भजन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जी कि ये विधा जो भजन की हमने शुरू की, जी हमारे पिताजी ने शुरू की, फिर हमने उसको आगे बढ़ाया, जी ये विधा आगे इसी तरह चलती रहेगी और लोग इसका बहुत आनंद लेंगे। निश्चित रूप से ये जो विधा है लगातार चलती रहे, लोगों को आनंदित करती रहे, और आप जैसे कलाकारों का योगदान इसमें बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। अभी वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, जैसा कि शुरू में हमने चर्चा की, तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, आपके भी बहुत सारे कार्यक्रम निश्चित रूप से इसमें प्रभावित हुए होंगे, और लोग ऑनलाइन बहुत सारे कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो एक मंच पर सामने बैठकर सुनने का आनंद होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें अड़चन आ ही गई है। आप कोरोना काल के इस दौर में किन गतिविधियों में व्यस्त हैं? मैं आपको बड़े आश्चर्य की बात बताऊंगा कि जी कोरोना से पहले हम 1-1.5 हजार लोगों को रोज गाना सुनाते थे जी जी वाह, कार्यक्रमों में, कहीं 1 हजार आ रहे हैं, कोई 2 हजार आ रहे हैं, कहीं 800 आ रहे हैं, ऐसे होता था ना कार्यक्रम, जी, कहीं 5 हजार आ रहे हैं, तो एवरेज हम 30 हजार लोगों को महीने में गाना सुनाते थे। जी इस कोरोना काल में जी मैं 3 लाख लोगों को रोज गाना सुना रहा हूँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, 3 लाख लोगों को।
जिसमें देश विदेश से लोग मुझसे जुड़ते हैं, कोई फेसबुक से, कोई इंस्टाग्राम से, कोई कहीं से, जूम से, जी, और मैं पाकिस्तान से भी जुड़ जाता हूँ। पाकिस्तान से 2 बार मैं जुड़ा और 50-50 हजार लोगों को गाने सुनाए, भजन सुनाए। जी, तो 3 लाख लोगों को रोज सुनाने का मतलब है कि मैं 1 करोड़ लोगों से महीने में जुड़ गया। वाह, बहुत बड़ी बात जी। और इन लोगों को पूरी तरह संगीत से और अपने विचारों से संतुष्ट करता हूँ जी। इनको मैं समझाता हूँ कि जो कोरोना के जो 24 घंटे मिले हैं जी, इसका लाभ उठा लो, इससे अपने को स्वस्थ बना लो जी, इससे बॉडी माइंड सोल तीनों को स्वस्थ कर लो जी, योगासन करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, आंवले खाओ, नींबू खाओ, संतरे खाओ, मौसमी खाओ जी, और अपने को इस योग्य बना लो कि अगर आगे भविष्य में कोरोना का कोई कजिन ब्रदर आने वाला हो, डरोना कोरोना जी, तो वो आपको छू ना सके। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आकाशवाणी वाराणसी FM विविध भारती वाराणसी के श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि बड़े भाग्यशाली आप लोग, भगवान शंकर के परिवार के सदस्य हैं आप लोग। आप जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में आते ही आभास हो जाता है कि हम भगवान शंकर के शहर में आ गए जी। हर हर जगह हर हर महादेव सुनाई पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सावन का महीना चल रहा है तो काशी बिल्कुल शिवमय है। शिवमय है जी। मैं बहुत बार आया हूँ जी, हर वर्ष मैं संकट मोचन तो आता ही हूँ जी। मैंने प्रण लिया है कि जब तक सांस है मुझमें जी, तब तक मैं संकट मोचन में आके जरूर हाजिरी दूंगा। वाह जी। और बड़े महंत जी का हम पे बहुत आशीर्वाद था जी जी, और आज के महंत जी जूनियर महंत जी का भी बहुत हम पर आशीर्वाद है, बड़ी कृपा है उनकी जी जी, कि वो हमको याद करते हैं और हमेशा बता देते हैं डेट्स, और उस डेट्स में मैं पहुंच जाता हूँ। वाह। अनूप जलोटा जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए कुछ जरूर गुनगुनाइए आप। जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। अच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे तुम सुलाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे तुम सुलाते नहीं। अच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। वाह 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 वाह, बहुत आनंद, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। और हमारे श्रोता निश्चित रूप से इस भक्ति रचना को सुनकर आनंदित होंगे, तनाव मुक्त होंगे, भगवान के श्री चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करने के लिए उद्यत होंगे। और हम सब इस कोरोना जैसी महामारी से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त होंगे, यही बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। और आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी इसी तरह निरंतर हम श्रोताओं का भक्ति संगीत के माध्यम से आराधन के लिए चित्त जो हमारा इधर उधर भटकता रहता है उसको एकाग्रचित्त करते रहें और इसी तरह हमसे जुड़ते रहें। जब भी काशी आएँ आप ज़रूर हमारे श्रोताओं के बीच हों, इसी कामना के साथ हम श्रोताओं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी को, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे, आपको बहुत ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है
कौन कहता है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।